आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी पक्षों के सदस्य एक मत से इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करना चाहते हैं। यह एक बड़ा अच्छा अवसर आया है कि हम इस विधेयक पर इस सदन में चर्चा करके इसे पारित करवाने का प्रयत्न करें। इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार किए हैं और घोषणा पत्र में यह कहा है कि इस संशोधन को मंजूर किया जाएगा। यह गौरव की बात है कि सभी माननीय सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके आरक्षण के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनकी उन्नति के लिए भी कार्य हम इस सदन के माध्यम से कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। किंतु मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम इस संशोधन विधेयक को मंजूर करें, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पिछड़े वर्ग के संबंध में बनाए गए जो अन्य नियम अधिनियम हैं, वे केवल कागज पर ही दिखाई देते हैं। उनको हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मान्यता नहीं दे पाए हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम इस विधेयक को मंजूर करें और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएं। महोदय, जब संविधान बना था तो संविधान बनने से पहले एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था और यह पाया था कि शिक्षित तौर पर पिछड़ापन, आर्थिक तौर पर शोषण इन लोगों के हिस्से में आया है। इसलिए राजनीतिक तौर पर इनको आरक्षण देना अनिवार्य है। मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग उनको बार बार अधिक से अधिक आरक्षण देने की बात करते हैं, किंतु क्या हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी हम यह महसूस करते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको न्याय मिले। इतने प्रयास करने के बाद भी, पूरी कोशिश करने के बाद भी हम उनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। हम देखते हैं कि जितने आरक्षण के वायदे किए जाते हैं वे पूरे नहीं होते। इस विषय पर मैं अपने और भी विचार प्रकट करना चाहता था, लेकिन सदन के अन्य माननीय सदस्य भी इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे, अतः मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 10वीं पंचवर्षीय
योजना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे कम समय दिया, इसके लिए भी आभारी हूँ। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने इस पर यह आरोप भी लगाया कि हम योजना में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी उनको इस बारे में कुछ नजर नहीं आया। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा, गलत घोषणा पत्र पढ़ा और उसी को हमारा घोषणा पत्र समझ बैठे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा घोषणा पत्र इस समय मेरे पास है। इस घोषणा पत्र में हमारी घोषणा में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं रखते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती, जो जनता के कष्ट दूर नहीं कर सकती। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें हम पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और दसवीं पंचवर्षीय योजना आदि कहते हैं, और उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं हुए। इन योजनाओं के परिणाम भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े अनुभवी बैठे, उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाएं ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं की गई। उन योजनाओं में काफी दोष थे, जिसके कारण ये योजनाएं लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकी। समाप्त।